आईबीएस एक ऐसी समस्या जिससे पॉपुलेशन का बहुत बड़ा भाग जूझ रहा है। सामान्य तौर पर अगर ऐसा भी कह दिया जाए कि लगभग 5 से 20% तक का हिस्सा पॉपुलेशन का इस समस्या से कभी ना कभी अपने जीवन काल में परेशान होता ही है। आईबीएस क्या है, इसके होने के कारण क्या क्या होते हैं, शरीर में कौन से लक्षण आते हैं और किस तरीके से इस समस्या से पूरे तरीके से निजात पाई जा सकती है, वीडियो में आज हम ये सारी बातें डिस्कस करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आईबीएस से रिलेटेड सारी जानकारी आपके पूरे के पूरे तरीके से समझ में आ जाए और यदि आप इस समस्या से कई सालों से परेशान हैं तो आप कैसे इस समस्या से पूरे तरीके से निजात पा सकते हैं, आप ये बात समझ लें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि भविष्य में जब भी कोई वीडियो बनाया जाए आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे, ताकि स्वास्थ्य संबंधी सरल और सहज भाषा में जो जानकारियां आप तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है उसका लाभ आपको अच्छे तरीके से मिल सके। आईबीएस मतलब इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, ये सिंड्रोम क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे सिम्टम्स इसमें एक साथ आते हैं। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कहते हैं इसको। इसको वैसे स्पास्टिक कोलोन भी कहा जाता है, बहुत सारे नाम होते हैं इसके एक्चुअली। स्पास्टिक कोलोन भी कहा जाता है इसको। इसको म्यूकस कोलाइटिस भी सामान्य तौर पर लोग कहते हैं, म्यूकस कोलाइटिस भी कहा जाता है, स्पास्टिक कोलाइटिस भी कहा जाता है और स्पास्टिक कोलोन भी इसका नाम रखा गया है, तो स्पास्टिक कोलाइटिस भी कहा जा रहा है। ये इसके अदर नेम्स हैं आईबीएस के ही। अब हम देखें कि ये आईबीएस एग्जैक्टली होता क्यों है, तो आईबीएस के होने का बेसिक कारण जो है वो होता है लंबे समय तक बहुत स्ट्रेस में रहना या फिर गैस्ट्रो एंटेराइटिस हो जाना, एंजाइटी में लंबे समय तक रहना या फिर कोई पोस्ट इंफेक्शन के बाद में, पोस्ट इंफेक्शियस आईबीएस बोला जाता है कि कोई इंफेक्शन हुआ था उस इंफेक्शन के लिए जो भी दवाइयां ली गई या उस इंफेक्शन को ट्रीट कर दिया गया लेकिन उस इंफेक्शन के बाद आपकी जो गट मोटिलिटी है वो बिगड़ गई, आपकी आंतों की जो चाल है उसमें गड़बड़ी आ गई। एक चीज और बोलना चाहूंगा कि आईबीएस और आईबीडी, आईबीएस और आईबीडी ये जो है ये दोनों एक जैसी चीजें नहीं है। आईबीएस का मतलब होता है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, आईबीडी जो होती है वो होती है एक तो क्रॉन्स डिसीज और दूसरा होता है अल्सरेटिव कोलाइटिस। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस में इसमें क्या होगा, इसमें अगर क्रॉन्स है तो क्रॉन्स में कॉन्स्टिपेशन और जो डायरिया होता है उसका कोलाबोरेशन रहेगा। अल्सरेटिव कोलाइटिस में मोशन ज्यादा होंगे, डायरिया हो सकता है, ब्लडी स्टूल आ सकते हैं इसमें। और इसमें फिर अंतर क्या है, आईबीएस में कहीं कोई इंफ्लेमेटरी चेंजेस नहीं होंगे, आईबीएस में आपके कहीं कोई अल्सर्स नहीं होंगे इंटेस्टाइन में, आईबीएस कोई बहुत ज्यादा पैथोलॉजिकल कंडीशन नहीं है सामान्य तौर पर, ये सिर्फ फंक्शनल कंडीशन है। फंक्शनल कंडीशन है इसका मतलब केवल इंटेस्टाइन का फंक्शन इसमें थोड़ा गड़बड़ होता है, बाकी इससे कोई बहुत ऐसा नहीं है कि रिस्क ऑफ कैंसर है आईबीएस में, बिल्कुल भी नहीं है। आईबीडी जो है इसमें हो सकता है अल्सरेटिव कोलाइटिस है तो अल्सर्स हो, इसमें अगर क्रॉन्स डिसीज है तो हो सकता है पैची अल्सरेटिव स्टेजेस हो अगर ऐसा आ रहा है लार्ज इंटेस्टाइन में। तो अगर आप आईबीएस की समस्या से ग्रस्त हैं तो अब आईबीएस की समस्या का आप किस तरीके से डायग्नोसिस कर सकते हैं, तो डायग्नोसिस के लिए सामान्य तौर पर वैसे तो अपर एंडोस्कोपी हो सकती है, अपर एंडोस्कोपी है एक तो। दूसरा आप पूरे के पूरे एब्डोमिनल एरिया का सीटी स्कैन करा सकते हैं, सीटी स्कैन
हो सकता है पूरे एब्डोमिनल एरिया का एमआरआई हो सकती है, जिसको एमआरआई एंटेरोग्राफी बोला जा सकता है। अगर आपने वो करा रखा है तो उसमें ये कंफर्मेटरी डायग्नोसिस हो जाएगी कि ये आईबीएस है या फिर इंटेस्टाइन की और कोई प्रॉब्लम है। अगर आपको आईबीएस की समस्या है तो आईबीएस में लक्षण क्या क्या आएंगे, अब ये कारण हो गया, आएगा लक्षण। लक्षण क्या क्या होंगे, पेट में दर्द होगा, मरोड़े चलेंगे, गैस बनेगी। सामान्य तौर पर ये दर्द, मरोड़े और गैस एक बार अगर मोशन हो जाएगा तो मोशन होने के बाद, मोशन के बाद इनमें रिलीफ आ जाएगा, ये थोड़े से जो सिम्टम्स हैं ये कम होना चालू हो जाएंगे। ये एक क्लासिकल साइन होता है आईबीएस का, कि आईबीएस में अगर आपके पेट में मरोड़ हो रही थी, दर्द आ रहा था या फिर पेट फूल रहा था गैस की वजह से, आपको एक बार मोशन हो जाएगा तो फिर ये दर्द, मरोड़े, गैस आपका कम हो जाएगा। सामान्य तौर पर ऐसा माना जाता है कि महिलाओं में ये कंडीशन ज्यादा होती है बजाय पुरुषों के। अगर महिलाओं में ज्यादा होती है ये कंडीशन तो फिर लक्षण जो है, जैसे ये वाले जो लक्षण है पेट में दर्द, मरोड़े और गैस, महिलाओं में पीरियड्स से पहले आपको ये सारे लक्षण बढ़े हुए मिलेंगे। अगर इनकेस ऑफ फीमेल्स, हाँ इनकेस ऑफ फीमेल्स अगर हम देख रहे हैं, क्योंकि फीमेल्स में ये वाली समस्या इन कंपैरिजन टू मेल्स फीमेल्स में थोड़ी ज्यादा होती है, तो फीमेल के केस में ये जो सिम्टम्स हैं पेन, मरोड़े और गैस, ये पीरियड्स के पहले कम मिलेंगे। जैसे ही पीरियड्स क्लियर होंगे उसके बाद में इन सिम्टम्स में आराम मिलना चालू हो जाएगा। अगर किसी को मेनोपॉज हो गया है तो मेनोपॉज के बाद थोड़ा थोड़ा इन समस्याओं में हल्का सा आराम मिलना चालू हो जाता है। प्रेगनेंसी में ये समस्याएं एकदम से महिलाओं में बढ़ी हुई महसूस होती है। तो ये इनकेस ऑफ फीमेल्स जो लक्षण होते हैं वो आ रहे हैं। इसके बाद तीसरा लक्षण होता है जिसमें आपको कभी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है और कभी डायरिया हो सकता है। तो ये अल्टरनेट भी हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हुआ या डायरिया हुआ, कभी कॉन्स्टिपेशन हो लिया कभी डायरिया हो लिया। इसमें सामान्य तौर पर फ्रीक्वेंट स्टूल्स जो हैं एक क्लासिकल साइन माना जा सकता है, फ्रीक्वेंट मोशंस। लेकिन फ्रीक्वेंट मोशंस कब, जैसे अगर आप दिन में 7 या 8 बार या 10 बार मोशन जाते हैं इनकेस ऑफ आईबीएस, तो आपको लगभग 4 से 5 बार 6 बार तो सवेरे सवेरे ही मोशन हो जाएगा। उसके बाद जब भी आप कुछ खाएंगे, खाने के बाद हो सकता है 10 मिनट बाद 15 मिनट बाद 20 मिनट बाद आपको मोशन जाना पड़े। ये इसके स्पेसिफिक साइन होते हैं। कभी कभी एंजाइटी और स्ट्रेस इतना ज्यादा हो जाता है कि पेशेंट जो है वो भ्रम में आना चालू हो जाता है। आईबीएस में बात बात पर लोगों को गुस्सा आना चालू हो जाएगा, एकदम से एंजाइटी जो है ना वो ट्रिगर्ड रहेगी कि थोड़ा किसी ने बोल दिया कुछ, एकदम से गुस्सा आ गया। ये आईबीएस के पेशेंट का क्लासिकल साइन माना जाता है। इसके अलावा अगर आईबीएस का पेशेंट है कोई, तो अगर किसी को थोड़ा सा भी कोई गैस्ट्रोइंटेस्टिनल इंफेक्शन हो गया या किसी भी वजह से गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो गई, गैस्ट्रोएंटेराइटिस अगर फूड पॉइजनिंग की वजह से हो गई, आपने कंटेमिनेटेड वाटर ले लिया उसकी वजह से हो गई, तो फिर ये एकदम से आईबीएस ट्रिगर कर जाएगा। आपकी लाइफस्टाइल में कहीं आप बिल्कुल ठीक चल रहे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन लाइफस्टाइल में अगर थोड़ा सा भी बदलाव आ गया, आपने अपने खाने पीने में बदलाव कर दिया या आपने अपने सोने जागने में बदलाव कर दिया, एक्सरसाइज में कहीं बदलाव आ गया, तो ये आपके आईबीएस को ट्रिगर करने का काम कर सकता है। और एक बार अगर आईबीएस ट्रिगर होता है तो उसको मैनेज करने के लिए फिर से आपको अपने पूरे के पूरे रूटीन को, जिसमें डाइट, एक्सरसाइजेस, लाइफस्टाइल, ये पूरा दोबारा से जीरो से स्टार्ट करने की जरूरत पड़ेगी। और जैसे जैसे आप फिर से फॉलोअप करेंगे, ये वाली प्रॉब्लम फिर से धीरे धीरे करके बिल्कुल क्लियर होना चालू हो जाती है। तो ये तो होते हैं इसके लक्षण। अब हम देखें कि इसकी लक्षण अब हमने कर लिया, इसका उपचार किस तरीके से करेंगे, क्या क्या ट्रीटमेंट इसके लिए हम कर सकते हैं। तो ट्रीटमेंट में सबसे पहला ट्रीटमेंट जो होता है
वो चूंकि विसरल हाइपर सेंसिटिविटी इस केस में ज्यादा होती है, विसरल हाइपर सेंसिटिविटी का मतलब है कि जो फूड आप इंटेस्टाइन्स में डाल रहे हैं उस फूड के लिए आपकी इंटेस्टाइन्स अगर हाइपर सेंसिटिव हो गई हैं, तो फिर जैसे ही वो फूड आपकी इंटेस्टाइन में जाएगा इंटेस्टाइन उसको निकाल करके बाहर फेंकने की कोशिश करेंगी। पहला तो विसरल हाइपर सेंसिटिविटी इस केस में सामान्य तौर पर देखने में आती है। अब किस फूड के लिए इंटेस्टाइन हाइपर सेंसिटिव हुई है, विसरल हाइपर सेंसिटिविटी अगर हम देखते हैं, विसरल हाइपर सेंसिटिविटी का विसरल मतलब ऑर्गन्स, तो ऑर्गन्स में यहां क्या स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन। अब इसमें अगर फूड हाइपर सेंसिटिविटी है, जैसे मान लो किसी को दूध से ही हाइपर सेंसिटिविटी है, लैक्टोज इंटॉलरेंस है, सामान्य तौर पर जिनको आईबीएस की प्रॉब्लम है उनको दूध को बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, दूध और दूध से बनी सारी ही चीजें बिल्कुल जीरो हो जानी चाहिए। दूसरा अगर मान लेते हैं किसी को, जैसे बहुत सारे लोगों को हैवी ग्रेड का जो फूड होता है, हैवी डाइजेस्टिव फूड जो होता है उसको भी उपयोग में नहीं लेना है, क्योंकि पाचन की क्षमता आते हैं अगर हाइपर सेंसिटिव हुई है तो डेफिनेटली पाचन की क्षमता जो है, जो एब्जॉर्प्शन की क्षमता है वो कम होना चालू हो जाती है। अगर ऐसे केस में हैवी डाइजेस्टिव फूड लिया जाएगा तो डेफिनेटली धीरे धीरे करके वो प्रॉब्लम का कारण बन जाएगा। तो बिल्कुल सुपाच्य जल्दी पच जाने वाला खाना अगर आप लेते हैं तो धीरे धीरे करके आपको इस समस्या में आराम मिलना चालू हो जाएगा। सबसे पहला तो अगर विसरल हाइपर सेंसिटिविटी थी तो ट्रीटमेंट के फॉर्म में हमें क्या ट्रीटमेंट लेना है, हमारी डाइट का जो फॉलोअप है, डाइट कैसी होनी चाहिए जो आपका पाचन तंत्र इजीली पचा पाए, वो डाइट अगर आप लेना चालू कर दें और उस डाइट को लेने के बाद आप उस डाइट को पचाने के लिए एक्सटर्नली थोड़ी बहुत एक्सरसाइजेस करना चालू कर दें, तो डाइट प्लस एक्सरसाइजेस हो गई प्लस आपकी लाइफस्टाइल जो है, लाइफस्टाइल आपकी बिल्कुल करेक्ट अगर आपने कर ली तो डेफिनेटली इस समस्या में आपको बहुत अच्छा आराम मिलना चालू हो जाएगा। इसमें जो डाइट है, डाइट में स्पेसिफिक जो रहेगा, एक तो दूध और दूध से बनी लगभग सारी चीजें बिल्कुल बंद रहेंगी, प्लस आप बीन्स जो भी हैं वो बिल्कुल नहीं लें, तीसरा आप जो भी जैसे लो ग्रेड शॉर्ट चेन हाइपो कार्बोहाइड्रेट जिनको बोला जाता है वो भी आप कम से कम लेने की कोशिश करें। अगर आप ये फॉलोअप करते हैं तो धीरे धीरे करके आपकी जो इंटेस्टिनल हाइपर सेंसिटिविटी थी या विसरल हाइपर सेंसिटिविटी जो थी वो धीरे धीरे करके कम होना चालू होगी। और कभी कभी हम देखते हैं कि आईबीएस में बिल्कुल आराम हो गया था लेकिन थोड़ा तनाव आया एक दिन का और उसकी वजह से फिर से फ्लैट अप हो गया, वो फिर से एकदम से प्रॉब्लम, जैसे कहते ना कि सब कुछ सो रहा था आराम से लेकिन जगा दिया उसको दोबारा से आ गया पूरा। तो ऐसे केस में ट्रिगरिंग फैक्टर्स जो होते हैं, ट्रिगरिंग फैक्टर होगा स्ट्रेस, ट्रिगरिंग फैक्टर होगा आपका गैस्ट्रो इंटेस्टिनल इंफेक्शन, और ट्रिगरिंग फैक्टर होगा आपका अगर आपने कोई हैवी फूड ले लिया है, हैवी डाइजेस्टिव फूड, जैसे अगर आपने बीन्स ले ली, आपने खाने में सेब खा लिया या फिर आपने राजमा खा लिए या छोले खा लिए या फिर आपने मैदे से बनी हुई कोई चीज खा ली या फिर इंटेस्टाइन को, और हाइपर सेंसिटिविटी तो थी ही, आपने इरिटेट करने के लिए इंटेस्टाइन को क्या कर दिया, मिर्च मसाले ज्यादा मात्रा में खा दिए, तो डेफिनेटली ये प्रॉब्लम फिर से एकदम से मुंह खोल करके दोबारा खड़ी हो जाएगी। आपको फिर इसको धीरे धीरे करके अपनी रूटीन को दोबारा से सेट करके सेटल करना पड़ेगा। एक्सरसाइजेस में जो आईबीएस के लिए एक्सरसाइजेस होती हैं, इसमें आपको अपने डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पर बहुत प्रॉपर तरीके से आपको ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने की आवश्यकता होती है। तो एक्सरसाइजेस में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए आप क्या क्या एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, आप कुछ टहलना जो है वो आप बढ़ा लो, टहलना वॉक कितनी कर सकते हैं, कम से कम 40 मिनट की वॉक करिए और कोशिश करिए 40 मिनट में अगर 4 किलोमीटर टहल सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा।
साथ में आप कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर लीजिए। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस में आप अनुलोम विलोम प्राणायाम कर लें, अनुलोम विलोम बहुत अच्छा रहेगा, और साथ में आप डीप ब्रीदिंग का अभ्यास कर लें। अगर आपने ये दो प्राणायाम कर लिए, इससे क्या होगा, आपके पूरे शरीर में ऑक्सीजन का सेचुरेशन अच्छा होना चालू हो जाएगा, आपकी इंटेस्टाइन्स पर जो हाइपर सेंसिटिविटी आई हुई है वो धीरे 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 करके नॉर्मल होना चालू हो जाएगी। जो विसरल हाइपर सेंसिटिविटी है, अगर उसको हमने प्रॉपर एक्सरसाइजेस और प्रॉपर ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करके नॉर्मल कर लिया। स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए हम कुछ कूलिंग नेचर के प्राणायाम होते हैं, जैसे चंद्र अनुलोम विलोम, चंद्रभेदी, शीतली शीतकारी, भ्रामरी, या फिर जो प्रत्याहार धारणा और मेडिटेशन जो कहा जाता है, अगर हम उसका थोड़ा बहुत भी थोड़ा अच्छा फॉलोअप कर पाए। जैसे मेडिटेशन के लिए जनरली मैं बोलता हूं कि मेडिटेशन की पहले की जो प्रोसेस है जिसको धारणा बोला जाता है, तत्र प्रत्येक तानता ध्यानम, तो ध्यान तो अपने आप होने की चीज है इसलिए उसको करा नहीं जा सकता, लेकिन उसके पहले जो धारणा है, किसी भी ऑब्जेक्ट को धारण करके लगातार उसको मन में, उसके अलावा और कुछ ना हो, और लगातार आप उस ऑब्जेक्ट को अंदर अंदर धीरे धीरे करके एक ही ऑब्जेक्ट पर पूरा फोकस कर रहे हैं, उसको धारणा बोला जाता है। किसी ऑब्जेक्ट को धारण करके उसी ऑब्जेक्ट पर पूरा फोकस बनाए रखना, अगर ये भी आपने करना चालू कर दिया तो निश्चित ही धीरे 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 करके आपके आईबीएस में बहुत अच्छा आराम मिलना चालू हो जाएगा। लाइफस्टाइल में क्या क्या करेक्शन करना है, अगर लाइफस्टाइल करेक्शन की बात आती है तो लाइफस्टाइल करेक्शन में आपके लिए सबसे अच्छा करेक्शन जो रहेगा वो है, कोशिश करिए अपनी लाइफस्टाइल को बिल्कुल सात्विक लाइफस्टाइल जो होती है, सात्विक लाइफस्टाइल का मतलब सवेरे जल्दी जाग जाना, रात को थोड़ा जल्दी सो जाना, नियमित व्यायाम करना, भोजन संतुलित मात्रा में और जो आपके लिए उपयोगी है सिर्फ वही लेना, बहुत ज्यादा तनाव नहीं लेना, धूप में बहुत ज्यादा ट्रेवल नहीं करना, ये जो चीजें हैं ये आपकी लाइफस्टाइल करेक्शन की तरफ जाती हैं। इनको अगर अच्छे तरीके से फॉलो करेंगे तो धीरे 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 करके आपके आईबीएस में बहुत अच्छा आराम मिलना चालू हो जाएगा। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस वीडियो को शेयर करें ताकि आईबीएस से जो भी परेशान हैं वो प्रॉपर फॉलोअप करके अपनी इस समस्या से निजात पा जाएं। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आई है, कोई प्रश्न है आपका, तो कमेंट बॉक्स में लिख करके आप पूछ सकते हैं, आपके प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, नमस्कार।